हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम सीखने वाले हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी या फिर मार्क्सवाद से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, ये जो विचारधारा है ये किसी व्यक्ति के नाम पे है। जैसे कि मान लीजिए कोई सुमन नाम की लड़की होती और उसकी ये विचारधारा होती तो हम उसे कहते सुमनवादी विचारधारा। ऐसे ही कोई कुसुम नाम की या मुस्कान नाम की लड़की होती है तो हम उसे कहते हैं मुस्कानवादी विचारधारा। वैसे ही एक दार्शनिक थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। वह एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कार्ल मार्क्स और वह जर्मन के थे। तो उनके खुद के बनाए हुए कुछ रूल्स थे, कुछ विचारधाराएं थी जो दुनिया भर में फैली और बहुत लोगों को उस विचारधारा ने प्रभावित किया और बहुत लोगों को उनकी ये विचारधारा पसंद आई। और वो सिर्फ एक ऐसे दार्शनिक नहीं थे, सिर्फ किताबी दार्शनिक की उन्होंने किताबें लिख दी अच्छी अच्छी ऐसा नहीं था। उनके जो विचार थे, उन्होंने उन विचारों को, उन रूल्स को अपने खुद की निजी लाइफ में भी उतारा। मतलब वो उन रूल्स को खुद भी फॉलो किया करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों को तो भाषण बहुत अच्छे से दे देते हैं, अच्छे अच्छे भाषण कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। बट कार्ल मार्क्स एक ऐसे दार्शनिक थे जो अपने ही रूल्स को खुद भी फॉलो किया करते थे। अब देखिए, आप अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से या फिर किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि लड़कियों को रात में बाहर जाने क्यों नहीं दिया जाता, आखिर उन्हें अपनी पसंद के काम करने की इजाज़त क्यों नहीं है, आखिर वो काम क्यों नहीं कर सकती जो वो चाहती हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले शादी ही क्यों करनी होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको कम पैसे क्यों मिलते हैं, जबकि जो व्यक्ति सिर्फ एसी में कुर्सी पर बैठ के उंगलियां चला रहा है, या कई बार तो उंगलियां भी नहीं चला रहा, सिर्फ दूसरों को भाषण दे रहा है, ठीक है, आराम से बैठा है, और बहुत से तो ऐसे हैं जो ऑफिस में भी नहीं बैठे, सिर्फ घर पर बैठे हैं और वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों हैं, तो पता है हमें कैसा लगेगा, हमें इस टाइप के आंसर मिलेंगे, ये सब तो हमेशा से है, ठीक है, हमारा समाज ऐसा ही है, हमारा समाज वैसा ही है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रकृति से हमें हमेशा नहीं मिली, प्रकृति हमेशा ऐसी नहीं थी कि लड़के लड़कियों में इस तरीके से भेदभाव किया जाए, या फिर अमीर गरीब में भेदभाव किया जाए, या फिर जातिवादी रंग रूप में या किसी भी तरीके से भेदभाव किया जाए। ये क्या है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको कम पैसे मिल रहे हैं और जो इतनी मेहनत नहीं कर रहे उनको इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें प्रकृति ने नहीं दिया, ये सब हमारे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, हमारे समाज के बनाए हुए रूल्स हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है, मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, ये उनकी विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि जो रूल्स हैं जब हमने बनाए हैं तो हम ही इन्हें तोड़ेंगे और तोड़ के समाज को ऐसा बनाएंगे जहाँ शांति ही शांति हो, मतलब जहाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क ना हो, लड़का लड़की का फ़र्क ना हो, मतलब किसी को भी दुख तकलीफ ना पहुँचे। मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि ये जो समाज है ये हमेशा से प्रकृति में ऐसा तो नहीं था, तो ये अपरिवर्तनीय तो नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है, जब इसको ऐसा हमने बनाया है तो इसमें जो परिवर्तन लाएंगे वो भी हम लाएंगे, क्योंकि हमेशा से तो समाज ऐसा नहीं था। मार्क्सवादी विचारधारा यही है कि ये जो हमारा समाज है जिसमें इतने दुख फैले हुए हैं, जिसमें जो कमाई की होड़ है, ये जो मुनाफे की होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से लोग हवशी बन गए हैं, मुनाफे के पीछे भाग भाग के अंधी हवस में पहुंच गए हैं, जिसमें पूरे समाज को दुखी करके रखा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति तो मुनाफा कमाए जा रहा है और दूसरा सिर्फ मेहनत किए जा रहा है। तो ये जो समाज है इसको हमें बदलना होगा, पूरे समाज का सिर्फ एक नारा होना चाहिए और वो होना चाहिए शांति। तो मार्क्सवादी विचारधारा है तो बहुत अच्छी, लेकिन है बड़ी ही टफ, क्योंकि इस विचारधारा का जो विरोध है वो पूंजीवाद हमेशा करता आया है। जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन किसको क्या परेशानी है, क्योंकि वो इस टाइम बड़े मज़े में हैं, अपनी लाइफ अच्छे से काट रहे हैं, तो उनको तो मार्क्सवाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्क्सवाद ये कहता है कि अमीरों की दौलत गरीबों में बांट दो, सबको बराबर कर दो, तो कोई अमीर अपने 10 रुपये भी किसी को क्यों देना चाहेगा। तो पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो हमेशा ही मार्क्सवाद का विरोध करते रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं दुनिया के, और ये विचारधारा काफ़ी देशों में आई भी है काफ़ी हद तक। वैसे तो ये विचारधारा 19वीं शताब्दी से
फैलनी शुरू हुई थी, और सबसे ज़्यादा ये फैली है 20वीं शताब्दी में, और भारत में भी ये विचारधारा 20वीं शताब्दी के लगभग दूसरे दशक तक आ गई थी। जैसे 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो पहला दशक मतलब 1 से 10 साल, और फिर 11 से 20 साल हो गया दूसरा दशक, ठीक है। तो दूसरे दशक में मतलब जो 11वें से 20वां साल होगा उसमें भारत में स्टार्ट हो गई थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है, और शायद आपको मार्क्सवादी विचारधारा भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।